किसी दिन मौत न बांट दे गैस बांटने वाली गाड़ी। गैस एजेंसी हेतु कानून बेमाने, जोखिम भरी होम डिलीवरी। मारुति 800 पेट्रोल नहीं, गैस से संचालित, हादसे की आशंका। चौसाना एचपी गैस एजेंसी के लिए न तो एआरटीओ परिवहन के आदेश मायने रखते, न ही अग्निशमन विभाग के नियमों की कोई औकात है। होम डिलीवरी में प्रयुक्त होने वाले वाहन के रूप में एक खटारा मारुति कार के पिछले हिस्से को काटकर उसका ट्रॉली नुमा कैंटर बना लिया गया है, और ऊपर से उसको भी पेट्रोल की जगह गैस से संचालित किया जा रहा है, और इसी गैस चलित ज्वलनशील वाहन से ज्वलनशील गैस का वितरण घर घर गांव दर गांव किया जाता है। एक और जहां गोडाउन में 5000 किलो गैस संग्रहण की क्षमता है, तो दूसरी ओर उसके स्थान पर 13460.4 किलो गैस के संग्रहण क्षमता के खाली भरे सिलेंडरों का संग्रहण किया गया है, जो संदेहास्पद है। आपको बता दें कि चौसाना में गंगोह रोड पर एचपी गैस एजेंसी का दफ्तर खुला हुआ है। उक्त एजेंसी की मालिक डिंपल नामक महिला का नाम सामने आया है, जबकि छानबीन में सामने आया है कि धरातल पर कोई राजेश नामक व्यक्ति एचपी एजेंसी चौसाना का संचालन करता है। उक्त एजेंसी अग्निशमन व परिवहन विभाग के नियमों को ताक पर रखकर अपना धंधा चला रही है। जिस वाहन से इस एजेंसी की होम डिलीवरी होती है, वो वाहन किसी भी दिन खुद ही खतरनाक साबित हो सकता है। जिस वाहन में गैस से भरे सिलेंडर लदे होते हैं, ये वाहन जहां एक ओर नियम विरुद्ध मारुति कार का कैंटर में तब्दील रूप है, तो दूसरी ओर उसको पेट्रोल के बजाय गैस से संचालित किया जाना सामने आया है। गैस ढोने वाली गाड़ी पहले ही जोखिमपूर्ण वाहन होता है, ऊपर से उसको बिना कंपनी की गैस किट लगे गैस से चलाया जाना लोगों की जान को खतरे में डालना है। इस वाहन से कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। आज तक पता नहीं कितनी गैस संचालित कारों को लोगों ने सड़कों पर आग का गोला बनते देखा है। गांव में गैस की होम डिलीवरी के समय यदि कोई हादसा हो जाए, तो ऐसे में स्थिति भयावह हो सकती है। आज तक स्थानीय पुलिस द्वारा भी गाड़ी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त एजेंसी के गोडाउन कीपर सिद्धार्थ ने बताया कि उनके गोडाउन की कैपेसिटी 5000 किलो गैस की है, लेकिन फिलहाल भरा खाली वजन 13460.4 किलो रखे हुए है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि एजेंसी वितरक अपने गोडाउन में एक समय में केवल 5000 किलो गैस भार का ही संग्रहण कर सकता है। इस संबंध में सेल्स ऑफिसर से विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी। होम डिलीवरी करने वाली कार के ड्राइवर सचिन से जब गैस संचालित व मानक विरुद्ध वाहन से सप्लाई के बाबत बात की गई, तो उसने बताया कि मालिक जैसी गाड़ी देगा, हम तो नौकर है, उसी से काम करेंगे। हमारे पास सप्लाई है तो कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। इस संबंध में सेल्स ऑफिसर विपिन से जब बात की गई, तो वो हर सवाल के जवाब देने से बचते नजर आए व सही प्रकार से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। विपिन द्वारा दिए गए जवाब इस प्रकार है। और एचपी गैस एजेंसी के बिहाफ पे मेरे कुछ क्वेश्चन थे, बस इनका मैं आपसे वर्जन चाह रहा था। बताइए क्या क्वेश्चन। एचपी गैस एजेंसी चौसाना, ओके। एक तो इनके पास मैंने आपको बताया था मारुति 800 में इन्होंने कैंटर में तब्दील कर रखा है, और उसको गैस में संचालित करके 30 सिलेंडर भर के बस्ती में रिहायश में ये जो है सप्लाई कर रहे हैं, क्या ये वैध है या अवैध है? ओके जी, एक क्वेश्चन तो ये है मेरा। हाँ जी, इसका जवाब दे रहे हैं आप, ये वैध है या अवैध है? जी, मारुति 800 को काट के पीछे से और उसमें 30 सिलेंडर भर के और उसको गैस में संचालित, जो आरटीओ अप्रूव्ड है वो वैध है, जो नहीं है वो नॉट अप्रूव्ड नॉट वैध है। इन योर ओवन ओपिनियन एज रेगुलेशन ऑफ एआरटीओ? नहीं, मेरे पास एआरटीओ का नहीं है ना रेगुलेशन यहाँ पे। नहीं, आप ये तो जानते ही होंगे कि आपके यहाँ मानक क्या होते हैं गाड़ी जिससे सप्लाई तो दी जाती है। मेरे यहाँ जो मानक है मैं बताया तो इतना आपको, तो ये उसके अनुकूल है या विपरीत? सर प्लीज, ये मेरा क्वेश्चन है। तो एआरटीओ में पूछ पाएंगे आप? अच्छा, तो आपके अनुसार क्या कहेंगे आप इस पे? कुछ भी कहें आप, वही बोल। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आरटीओ अप्रूव्ड है तो ओके, आरटीओ अप्रूव्ड नहीं तो नॉट ओके। यानी आपका कहने का मतलब ये है, अगर आरटीओ के अधिनियमों के अनुसार है तो ठीक है, और नहीं है तो गैर, नहीं है तो नहीं। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन कैटेगरी है तो। चलिए, शुक्रिया एक क्वेश्चन के लिए। दूसरा है मेरा, उनकी गाड़ी में कोई भी अग्निशमक सिलेंडर छोटा 2 किलो 5 किलो नहीं रखा हुआ है, ना ही ऑफिस में रखा हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? सभी को आदेश दिए गए हैं वो रखना जरूरी है। और अगर नहीं रख रहे हैं तो ये कुछ क्या, आप क्या कहेंगे इस पे, गलत है? तो आप गलत नहीं है, जब आदेश दिए गए हैं कि वो चीजें रखना जरूरी है, मानक के अनुसार वो चीजें होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए। थैंक यू सर। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है, ये जो इनका ऑफिस है, इसमें लगभग जब हमने इनको देखा वहां पे विजुअल लिया, तो 25 से 30 सिलेंडर इनके ऑफिस में रखे हुए थे, और ऑफिस इनका रिहाइश में है, ऊपर भी मकान है 2 मंजिला और बगल में भी मकान है, तो ये कितने सिलेंडर अपने ऑफिस पे संग्रहण कर सकते हैं? और
संग्रहण गोदाम में कर सकते हैं, केवल कहीं नहीं कर सकते हैं। ऑफिस पर कितने सिलेंडर? संग्रहण केवल गोदाम में कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब दो चार सिलेंडर भी ऑफिस में नहीं? संग्रहण केवल गोदाम में कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते। यानी 100 केजी तक अलाउड है? 100 केजी तक अलाउड है। जी जी जी, शुक्रिया जनाब। ARTO मुंशी लाल से जब कैंटर का रूप देकर गैस द्वारा संचालित गैस डिलीवरी वाहन मारुति के वैध या अवैध होने की बाबत पूछा गया तो बताया कि ये नियम विरुद्ध है, ऐसे वाहन को पुलिस जब्त कर सकती है। यदि ये वाहन हमारे पास आएगा तो हम जब्त कर लेंगे। जब उनसे पूछा गया कि यदि ये वाहन आपके पास नहीं आता और क्षेत्र में संचालित होता है, तो जवाब मिला कि ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। अब आश्चर्य का विषय यह है कि उक्त गैस एजेंसी की होम डिलीवरी की गाड़ी पर आज तक किसी अधिकारी या पुलिस की नजर क्यों नहीं गई और ऑफिस में मानक के विपरीत किसके शव पर रखे जा रहे हैं और सामने आने वाली अनियमितताएं आखिर कब दूर होंगी और उक्त कानून से खिलवाड़ कर रही AJC पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही कब हो पाएगी। नियम विरुद्ध गैस डिलीवरी गाड़ी के संबंध में चौसाना चौकी इंचार्ज रविंद्र का कहना है कि इस संबंध में मेरा कोई वर्जन नहीं है, जो करना है ARTO को करना है। तुम्हारा? सचिन। ये मारुति 800 HP गैस एजेंसी की चौहाना वाली गाड़ी आप चलाते हो? जी मैं चलाता हूं। अच्छा, तो ये कौन सी गाड़ी है? मारुति 800। कितना सिलेंडर ले जाते हो आप इसमें? इसमें 30 सिलेंडर। 30 सिलेंडर लिया तो कहाँ कहाँ ले जाते हो भाई? आसपास के गांव में। गाड़ी पेट्रोल से चल रही है? कैसे चल रही है? गैस से चल रही है। आपकी गाड़ी भी गैस से चल रही है जी। ये परमिट अलाउ है आपको गाड़ी ले जाना चलाना? नहीं सर। क्यों चलाते हो? सर मजबूरी है चलाने की। मजबूरी क्या है चलाने की? जब लाला गाड़ी यही रखे जी। अच्छा, लाला का नाम क्या है? नाम तो ये डिम्पल की उससे है जी। अच्छा, डिम्पल जी। एजेंसी कौन चलाता है वैसे उनकी? एजेंसी तो गंगू के है लाला। अच्छा, वो चलाते हैं जी। तो वे गाड़ी को मारुति 800 ही रखते हैं, इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं आपके पास? इसके अलावा काफ़ी टाइम हो गया है, बैग में कागज रखे, दो जगह से रिजेक्ट हो गए जी। अच्छा जी। तो इसमें आपको ज़्यादा गाँव गाँव ले जाते हो, मोहल्ले में ले जाते हो, तो कोई खतरा नहीं है इस चीज़ के लिए? नहीं, खतरा तो है सर। खतरा भी है भाई आपको? नहीं, आप गाँव वालों को भी होता है, कस्बे वालों को भी होता है, कस्टमर जो आपके जहाँ आप गैस लेते उन्हें भी होता होगा जी। कितनी सैलरी लेते हो यहाँ पे? सैलरी 7,500 रुपये। 7,500 रुपये अपनी जान की जोखिम में डालते हो, जिसके जाते हो वहाँ उसके भी डालते हो जी। सिद्धार्थ, इसमें कितना सिलेंडर जाते हैं गाड़ी में? 24 सिलेंडर। सिलेंडर एक सिलेंडर में कितना वजन हो गया टोटल? 30 किलो भरेगा खाली भरोगा 30 किलो वजन हो गया। 30 किलो में अगर 24 किलो 24 मान लीजिए आप, तो कितना टोटल वजन हो जाता है? 696 वाला हुआ है गाड़ी में सर। आपकी गाड़ी जो चल रही है मारुति 800, उसमें आप गैस पर गाड़ी चला रहे हो और 30 से 24 सिलेंडर आप ले जाते हो? 30 से 24 ले जाते हो? कितना ले जाते हो? ड्राइवर लेगा जाने, आपके आदेश ही तो ले जाता होगा ड्राइवर, ने मर्जी थोड़ी ले जाता होगा। और मारुति 800 में आप ले जा रहे हो, अलाउ है आपको मारुति 800? अलाउ नहीं है। और आप गैस पर गाड़ी चला रहे हो, कागज है गाड़ी के उसके? आपके परमिट परमिशन पूरी है, कंप्लीट कागज? गाड़ी का कागज है आपके पास? पास भी नहीं है आपके पास?